काश तू भी कभी दिखाई दे। सॉरी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पर ईमान अभी है, वरना हम लोग यहाँ पर कभी भी नहीं आते। जब हकीकत सामने आ जाए तो उसे भागा नहीं जाता। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ईमान मेरे साथ इस तरह करेगी। उसे मेरी इज्जत का, मेरे खानदान का, मेरे वकार का उसने बिल्कुल कोई एहसास नहीं किया। एक मैं ही पागल था जो उसके पीछे मरा जा रहा था। मैं उसके लिए उसे कभी माफ नहीं करूंगा। सॉरी, मुझे यहाँ आने के लिए आपको फोर्स नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मेरी कितनी परवाह है? और एक ही बात, कितना चाहा था मैंने उसे। सब कुछ भूल जाए, मैं आपके साथ हूँ। बच्चों का तो पता नहीं है कब आएंगे। मैं अपनी बेटी से मिलने कल फिर आ जाऊंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। जब तक मेरी बहू घर नहीं आ जाती, मैं हर रोज आप लोगों को जहमत देता रहूंगा। अरे भाई आलम मियां, यूं तो नहीं जा सकते ना, कम से कम खाना खा के जाओ। खाना फिर खा लूंगा। मेरे लिए आप सबकी मोहब्बत ही काफी है। पापा, क्या हुआ है मेरी बेटी को, ये रो क्यों रही है? वो बहुत दिनों के बाद देखा है ना तुमको आलम मियां, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अगर तुम इस तरह रोगी तो मेरा पोता मुझसे शिकायत करेगा कि मैंने उसकी माँ को रुला दिया। चलो शाबाश, अपने आंसू साफ करो। बेटी, मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मगर एक बार दिल से सोचना जरूर, क्या तुम चाहोगी कि मेरे घर का वारिस अपने दादा और अपने बाप के घर से दूर इस दुनिया में आंख खोले? मैं जानता हूं कि मर्द की अकल औरत के मामले में घास खा जाती है, मगर औरत का दिल बहुत बड़ा होता है। वो सजा नहीं देती, माफ कर देती है। हो सके तो प्लीज तुम भी आहत को माफ कर दो। कर दूंगी माफ बाबा, बिल्कुल कर दूंगी। बस एक बार मेरा मान मुझे वापस मिल जाए। लेकिन मेरी गुस्ताखी माफ कर दे, मैं जब तक घर वापस नहीं चल सकती। मैं तो आपकी बेटी हूं ना, अपनी बेटी को उसकी इज्जत नफ्स लौटाने में मदद करें। ठीक है, तुम अपनी समझ से मामलात को देखो, मगर बेटा कोशिश करना कि जल्दी ठीक हो जाए। घर तुम्हारे बगैर बहुत सोना है। हाँ, अभी मैंने तो आपकी सारी शॉपिंग देख ली। वैसे आपकी चॉइस ना बहुत अच्छी है। बहुत प्यारा कलर है ये। ले अम्मी, आपने देखी शॉपिंग बेबी की? मैं देखती हूँ अभी। सिशान बता रहा था कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी,
और आहत भी वहां मौजूद था। कुछ नहीं हुआ था यमी, सीशान ऐसे ही बात को बढ़ा रहे। बिल्कुल ठीक कह रही हो, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो। वाकई सीशान अगर मुझे वक्त पर नहीं संभालता तो शायद मैं अपने आपको संभाल ना पाती। इसीलिए मैं तुम्हें जिशान के साथ भेजना नहीं चाहती थी, वो तुम दोनों को देखकर वैसे ही बदगुमान हो जाता है, अब न जाने क्या सोच रहा होगा। जब इंसान अपनी सोच से आगे सोचना ही ना चाहे तो वो हर बात में वही मतलब ढूंढता है जो उसकी मर्जी का। अच्छा चलो बेटा, तुम अपने हाथों से ना सदका दे देना, यही लिया दिया काम आता है। चलो तुम ये सारी चीजें समेटो और बहन को ऊपर कमरे में लेके जाओ। जी अम्मी, चलें। चले आज जा ध्यान से। क्या बात है बताओ मुझे, सुनाओ क्या है बात जो मुझे अभी तक पता नहीं, बोलो। यही कि सहरिश ने आपको भी धोखा दिया है। क्या इस बात का सबूत ये रिपोर्ट्स हैं? ये रिपोर्ट देखें, ये वही रिपोर्ट्स हैं भाई जिसे दिखाकर उसने आपको शादी के लिए मजबूर किया। निशान तो मुझे कितना ही बुरा समझो, लेकिन मैं इस बात का इतराफ करती हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत किसी भी औरत को बांध के रख सकती है सारी उम्र के लिए। हाँ सच का, मगर शायद तुम्हारी तलाश कोई और। तलाक तुमने मुझे दी थी निशान, क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया था सहरिश। मजबूरी का निकाब ओढ़कर ईमान आप इस अपनी मोहब्बत को मत छुपाओ। तुम जाग गई? हाँ वो बस आराम करने लेटी थी, पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई और शाम हो गई। चाय? तुमने क्यों चाय बनाई? शिफा को कहती वो बना देती है। वो जैन को होमवर्क करवा रही है। तुमने ताई को क्यों बताया आहत के बारे में? खुद भी परेशान होंगी और ताई अबू को भी परेशान करेंगे। जिस तरह तुम रो रही थी उन्हें तो शक होना ही था ना, और मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। एक बात बताओ ईमान, क्या तुमने सरिश को बताया था कि हम मॉल जा रहे हैं? हाँ मेरी बात हुई थी उससे फोन पे, मैंने उसे बताया था। इसीलिए उसे वहां देखकर मैं समझ गया, ईमान वही आहत को वहां लेकर आई थी ताकि आहत तुम्हें और मुझे एक साथ देख ले और उसका शक पक्का हो जाए। अब समझाया कि सारा गेम सहरिश का प्लान किया। ईमान वो सहरिश ही है
जो तुम्हारे और मेरे रिश्ते को आहत की नजरों में अलग रंग देकर तुम्हें आहत की नजरों से गिराना चाह रही है, दूर करना चाह रही है। सही है, पर वो इस घर में वो जो इस घर में आई थी डॉक्यूमेंट्स के बहाने से, वो एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स लेने ही नहीं आई थी, वो तो तुम्हारी और मेरी पिक्चर्स लेने आई थी। यस ईमान, ईमान वही थी, उसने आके हमारी पिक्चर्स यहां से ली और उसी ने ना, उसी ने आहत को वो पिक्चर्स कुरियर करवाई है ताकि उस पर कोई शक ही ना आए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है यार, कब समझोगी उसकी इन चालों को? ईमान, ईमान जब से वो तुम्हारे घर गई है ना, तब से तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स शुरू हुई। और तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि तुम जब इस घर में हो तो वो वहां तुम्हारे घर में क्या कर रही है, और वही क्यों हर जगह आहत आहत के साथ नजर आता? कोई ना कोई वजह है ना इसके पीछे। इसका मतलब वो सहरिश ही है। ईमान प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, उसे छोटा समझकर उसकी गलतियों को इग्नोर मत करो। बहुत कर लिया इग्नोर उसकी गलतियों को। ईमान अगर इस बार तुमने उसकी इन गलतियों को इग्नोर किया तो तुम बहुत पछताओगे। प्लीज समझो, कड़ी से कड़ी जोड़ रही है ये सब कुछ, सहरिश का प्लान है। शौहर बनकर महबूब नहीं रहता, उसे अपना महबूब बनाए रखने के लिए बीवी को भी चाहिए कि वो उसकी महबूबा बन करे। तुम्हारा ख्याल है कि मैं एक दिन आहत के दिल से उतर जाऊंगी? आहत भाई की अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है और वो एस्टैब्लिश भी है, कोई भी लड़की उनसे इंप्रेस हो सकती है। आपको पता तो है आप ही मेरी छोटी सी तकलीफ पर इतना परेशान हो जाते। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि आज तो मैंने बारिश को भी इतना एंजॉय किया। आपको भी बुलाने आई थी लेकिन आप तो आई नहीं, पता नहीं किससे फोन पे बात करी थी। I'm sorry, मुझे नॉक करके आना चाहिए था। It's okay. कुछ चाहिए था तुम्हें? नहीं, वो मुझे पूछना था कि कल सुबह ऑफिस के लिए 9 बजे निकलना है ना, अलार्म लगाना था ना। हाँ, सुबह 9 बजे ही जाना। I'm sorry again. कहते हैं शादी के कुछ अरसे बाद शोहर का बीवी से दिल भर जाता है, कहीं उनका आपसे दिल तो नहीं भर गया? मजाक कर रही हूँ। आप एक काम करें, कुछ दिनों तक उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें। जब वो देखेंगे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो उनका दिमाग खुद ही ठिकाने आ जाएगा। कहाँ आहद और कहाँ ईमान आपी, वो तो बंद कमरे में भी ऐसा ड्रेस ना पहने। फैशन की दुनिया को वो क्या समझे, पर आई एम श्योर जब आहद मुझे इस ड्रेस में देखेंगे तो कुछ तो जरूर होगा। क्या होगा, लेट्स सी। ईमान से मिलकर आ रहा हूं, तुम पूछोगे नहीं वो कैसी है? खुश होगी, मुतमईन होगी, और कैसी होगी?
हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम खुश और मगन हो। आपको क्या लगता कि आपका बेटा बहुत खुश है? जीते ही जी मार दिया उस लड़की ने मुझे। क्या आप जानते हैं कि वो आज भी उस शख्स के साथ मॉल में थी जिस शख्स की वजह से हमारा रिलेशनशिप खराब हुआ? मैंने भी दुनिया देखी है, गलत और सही का हर रंग ढंग से वाकिफ हूं मैं। ज़ीशान उसका तायाजात है, बचपन में वो साथ खेले, एक ही घर में पले बड़े, वो एक दूसरे के दुख से कैसे लातालुक हो सकते हैं? तुम उनके मुखलिस रिश्ते को गलत नाम देकर अपने दिमाग पे सवार करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ ठीक, माना मैं ही गलत, लेकिन क्या शरी लिहाज से उसको मेरे सारे अहकामात नहीं मानने चाहिए? उसके नजदीक मेरे कहे की कोई अहमियत नहीं है बाबा। शिकवा अहमियत का नहीं, बेएतबारी का है जो तुम उस पर दिखा रहे हो। शरई हक जताने से पहले तुमने अपना फर्ज याद रखा है? जिस घर वालों ने ईमान को पलकों पे बिठा के रखा है, उन्हीं की नजरों में तुम उसे गिराने का सोच बैठे? ये तो शुक्र करो कि वो शरीफ लोग हैं, दूसरों की इज्जत उछालना उन्हें नहीं आता, वरना तुमने जो किया है उसके लिए माफी एक छोटा सा लफ्ज है। मैं माफी मांगूंगा बाबा, उसने मुझे तबाह किया। अगर मैं बर्बाद हुआ हूं ना, तो उसे भी मेरे साथ बर्बाद होना पड़ेगा। मैं हरगिज़ उससे माफी नहीं मांगूंगा। आहत, कैसी लग रही हूं मैं? क्या हुआ, अच्छी नहीं लग रही मैं? ये आपको ये देख के अच्छा नहीं लग रहा कि ये ड्रेस आप ईमान आप ही के लिए लाए थे और मैंने पहन ली? ऐसा कुछ ऐसी बात नहीं है, वो एक्चुअली मेरा मूड ठीक नहीं है, और अगर तुम कहीं जा रही हो तो प्लीज तुम करीम चाचा के साथ चली जाओ। लेकिन मुझे आपके साथ जाना। मेरे साथ जाना? जानू मैं जा रहा हूँ, चलो चल के देख लेते।
ईमान वो सहरिश ही है जो तुम्हारे और मेरे रिश्ते को आहत की नजरों में अलग रंग देकर तुम्हें आहत की नजरों से गिराना चाह रही है, दूर करना चाह रही है। ऐसे ही है, पर वो इस घर में नहीं। वो जो इस घर में आई थी डॉक्यूमेंट्स के बहाने से, वो एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स लेने ही नहीं आई थी, वो तो तुम्हारी और मेरी पिक्चर्स लेने आई थी। यस ईमान, ईमान वही थी, उसने आके हमारी पिक्चर्स यहां से ली और उसी ने ना, उसी ने आहत को वो पिक्चर्स कुरियर करवाई है ताकि उस पर कोई शक ही ना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है यार, कब समझोगी उसकी इन चालों को? ईमान, ईमान जब से वो तुम्हारे घर गई है ना, तब से तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स शुरू हुई। और तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि तुम जब इस घर में हो तो वो वहां तुम्हारे घर में क्या कर रही है, और वही क्यों हर जगह आहत आहत के साथ नजर आती? कोई ना कोई वजह है ना इसके पीछे। इसका मतलब वो सहरिश ही है। ईमान प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, उसे छोटा समझकर उसकी गलतियों को इग्नोर मत करो। बहुत कर लिया इग्नोर उसकी गलतियों को। ईमान अगर इस बार तुमने उसकी इन गलतियों को इग्नोर किया तो तुम बहुत पछताओगी। प्लीज समझो, कड़ी से कड़ी जोड़ रही है, ये सब कुछ सहरिश का प्लान है। शान को गलत फहमी हो रही है, सरिश मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मेरे घर में मेरी गैर मौजूदगी में रहने की कोई और वजह हो सकती है, लेकिन वो नहीं हो सकती जो जीशान बता रहा है। तस्वीरों और बातों का शक भी सरिश से मिलना महज इत्तफाक ही होगा। जी साहब जी, आहत आ गया? नहीं साहब जी, जब से वो घर से निकले हैं तब से ही नहीं आए, और सरिश बीबी भी उनके साथ हैं। ठीक है, आप जाएं, जाके सो जाएं, मैं थोड़ी देर में सोता हूँ। ठीक है साहब जी। जोक पे हंसी नहीं आई, एक और सुनाती हूँ। एक शख्स डॉक्टर के पास गया, उसने कहा कि उस शख्स ने डॉक्टर से कहा कि जब मेरी बीवी मुझसे बात करती है तो मुझे उसकी कोई आवाज नहीं आती, और इस बात को लेकर हम दोनों का रोज झगड़ा होता है। तो डॉक्टर ने पता है मरीज से क्या कहा? कि ये बीमारी नहीं बल्कि नेमत है, खुदावंदी है। That's too funny. अच्छा, listen, मैं थक गया हूं। No more jokes. आप थक गए हैं? हाँ, and by the way, thank you so much. तुम्हारे साथ गुजार के मैं थोड़ी देर के लिए अपने गम भूल गया। क्या वो मेरी मंजिल भी तो वही है जहां आपकी? मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है कि आपके कमरे के बराबर में मेरा कमरा है। गुड नाइट। ये कौन सा वक्त है घर लौटने का? ये पराई लड़की के साथ तुम रात को इस वक्त घर लौटे? इर्द गिर्द रहने वाले लोग क्या सोचेंगे?
सहरिश तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी है। ईमान ने हम पे भरोसा करके उसे यहाँ रहने की इजाजत दी है। तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम इन बातों का ख्याल रखो। जी बाबा। गुड नाइट। चंदा नहीं, दिल अजीब से संदेशों में घिरा है। ऐसा लग रहा है आंख बंद करूंगी तो कुछ छिन जाएगा। बाहर की तरफ से दिल परेशान है क्या? पता नहीं, डर लगता है। सोचती हूँ अगर वो मुझे भूल गए तो। नहीं मेरी जान, इस आने वाले बच्चे ने तुम्हारे रिश्ते को इतना मजबूत कर दिया है कि उसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। देखो मेरा बच्चा, औरत माँ बनने के बाद मर्द की जिंदगी में ऐसा मकाम हासिल कर लेती है जो कोई दूसरी हस्ती हासिल कर ही नहीं सकती किसी तरह से भी। तुम अपने आप को कमजोर नहीं समझना, ये बच्चा तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी मजबूती है। और हाँ देखो, ये जिन अंदेशों को तुमने अपने दिल में बसाया हुआ ना, इनको कभी सच ना होने देना। समझ गई ना? तुम्हारी हमेशा से आदत रही है कि अपना हक छोड़कर पीछे हटने लगती हूँ, लेकिन इस बच्चे की खातिर तुम्हें हालात से लड़ना पड़ेगा, डटकर उनका मुकाबला करना होगा। चाहे तुम्हारे सामने वाला मुखालिफ तुम्हारा कोई अपना अजीज ही क्यों ना हो। और देखो मेरा बच्चा, औरत की खामोशी बुजदिली नहीं है, लेकिन चुप रहने वाले को दबाया जाता है, उसको कमजोर समझा जाता है, उसको कम हिम्मत समझा जाता है। तो मेरी जान, इंसान को अपने हक के लिए बोलना चाहिए, उसको आवाज उठानी चाहिए। अरे बहू बिटिया, आप? काका आप? बाबा भी आए हैं क्या? अरे बिटिया, मार्केट में आना उनकी बस की बात नहीं है, ये तो हम नौकरों का काम है। आहत कैसे हैं? क्या बताएं बिटिया, छोटा मुंह और बड़ी बात। हम ये बात आपसे पहले भी करना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए। साफ साफ बताएं काका, क्या हुआ है? बिटिया हमें गलत मत समझिएगा, बस जितनी जल्दी हो सके आप घर वापस आ जाएं। हमें सहरिश बीवी के इरादे सही नहीं लगते। साहब जी सीधी सादी तबीयत के हैं और आपके तरह उन्हें भी नहीं मालूम कि सहरिश बीवी, माफी चाहता हूं, उनकी नीयत नेक नहीं है। चलता हूं बिटिया। आपने उठाया था वो पार्सल?
नहीं, बाबा ने उठाया था, उन्होंने मुझे दिया। उसमें उसमें जीशान और मेरी पिक्चर्स ऐसे एंगल से ली हुई थी जैसे खुदा ना खास्ता हमारे बीच हम बेहद करीब हो। और मैं ये सोच सोच के परेशान हूं, ये जो कोई भी है मुझे और राहत को दूर करना चाहता है, लेकिन कौन हो सकता है ये? मेरा दुश्मन कैसे पैदा हो गया कोई? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, और राहत पहले ही मुझसे इतने भक्कुमान है। यही सोचकर बाबा ने पार्सल छुपा दिया कि पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। और मेरे और जीशान के बीच ऐसा कुछ भी नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे सब कुछ छुपाना पड़ रहा है। मुझे डर सा है अंदर, मैं क्यों डर रही हूँ, क्यों छुपा रही हूँ सब? छुपाना पड़ता है आप ही, मर्द की साइकी है, वो अपनी बीवी को लेकर कुछ ज्यादा ही पोसेसिव होता है। आप वो तस्वीरें मुझे दे दो, मैं उन सारी तस्वीरों को जला दूँ। वैसे कहाँ रखा आपने वो पार्सल? सरीश, क्या किया तुमने? हाँ, आहत की फेवरेट शर्ट जला दी। माय गॉड, आप ही, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, आई एम सॉरी। मैं शर्ट प्रेस करके गई थी, तुम्हें क्या जरूरत थी दोबारा करने की? जब मैं आई तो ये शर्ट जमीन पर पड़ी थी, मुझे लगा आप प्रेस के लिए रख के गई हैं, तो आपका हाथ बटाना चाह रही थी। आपी, क्या हुआ? मेरे बाथरूम का टैप खराब हो गया है, मैं आपका बाथरूम यूज कर लूं? मुझे बॉस से पहले रेडी होना है। चलो ठीक है, टाइम है उन्हें अभी। अच्छा, आप हम दोनों के लिए नाश्ता बना दें, वरना हम दोनों को देर हो जाएगी। सारे सब चेक कर लेंगे, वो तो ठीक है। ठीक है, आप ही आप परेशानी में सेल्फिश हो गए। बाबा हार्ट पेशेंट है, उनका दिल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अभी तो आप पर सिर्फ बेवफाई का इल्जाम लगा, कहीं ऐसा ना हो कि बाबा की मौत का इल्जाम भी आपके सर आ जाए। सरीश, सिर्फ आपको आगाह करें, कितनी खुश है ना सरीश यहाँ आके, दिल बहल गया इसका। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बच्चों की तरह खेल रही है, देखो आद का कितना सर खा रही है। तुम्हें वाकई ये बचपना नजर आ रहा है, मुझे तो कोई और मामला ही लगता है। क्या मतलब? अगर तुम इस चीज को सैरिश की बहन होने की नजर से नहीं बल्कि आहत की वाइफ होने की नजर से देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। ईमान, मुझे लगता है सैरिश ने जॉब सिर्फ बहाने के लिए की है। व्हाट रबिश ज़ारा, इसके आगे एक लफ्ज़ नहीं बोलना। आई एम सॉरी ईमान, बट तुमने मुझसे कभी इतना रूडली बात नहीं की है। आई एम रियली सॉरी अगर तुम्हें ये बात तल्ख लगी हो, लेकिन यही सच है। बिटिया, हमें गलत मत समझिएगा, बस जितनी जल्दी हो सके आप घर वापस आ जाएं। हमें सैरिश बीबी के इरादे सही नहीं लगते। साहब जी सीधी सादी तबीयत के हैं, और आपके तरह उन्हें भी नहीं मालूम कि सैरिश बीबी, माफी चाहता हूं, उनकी नीयत नेक नहीं है।
किया सरिश? क्यों क्यों किया ऐसा? मुझे ही बर्बाद कर दिया तुमने। क्यों क्यों? हमेशा से आदत रही है कि अपना हक छोड़कर पीछे हटने लगती हूँ, लेकिन इस बच्चे की खातिर तुम्हें हालात से लड़ना पड़ेगा, डटकर उनका मुकाबला करना होगा, चाहे तुम्हारे सामने वाला मुखालिफ तुम्हारा कोई अपना अजीज ही क्यों ना हो। काश तू भी कभी दिखाई दे।